हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, अब तक अपन ने कुछ कन्वर्जन्स यहाँ पे डिस्कस किए थे पिछली क्लासों में। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट क्वांटिटीज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो मोस्टली अपने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यूज आती है। जैसे फर्स्ट हुआ अपने पास में, फर्स्ट यूनिट अपने पास में फोर्स की बात करते हैं। अपन फोर्स की बात करते हैं, क्लियर। अब फोर्स को अगर अपन डिफाइन करें तो अपन क्या कहेंगे, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्लियर। मास इनटू एक्सीलरेशन, क्लियर। मास को यूज किया है आपकी, किया था अपन ने केजी, क्या बेटा केजी। और एक्सीलरेशन यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर सेकेंड माइनस टू। क्या होती है, मीटर सेकेंड माइनस टू। कैसे होती है देख लीजिए आप, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो क्या जाएगा, मीटर सेकेंड माइनस टू, राइट। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अकॉर्डिंग मीटर पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड, तो अपने पास आ गया मीटर सेकेंड माइनस टू। तो इसकी यूनिट क्या जाएगी अपने पास में, केजी मीटर सेकेंड माइनस टू, केजी मीटर सेकेंड माइनस टू। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, न्यूटन। क्या लिख सकते हैं इसको अपन, न्यूटन। इसको अपन कैपिटल एन से शो करते हैं यहाँ पर। तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट कही गई है वो क्या है आपकी, न्यूटन, जो इक्वल है आपकी केजी मीटर सेकेंड माइनस टू, केजी मीटर सेकेंड माइनस टू, क्लियर। और आप जानते हो वन न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, टेन दी पावर फाइव डाइन, क्लियर। वन न्यूटन इक्वल टू कितना होता है आपका, टेन दी पावर फाइव डाइन, क्लियर। वन न्यूटन इक्वल टू कितना होता है आपका, टेन दी पावर फाइव डाइन। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात की अपन ने किसकी, फोर्स की। रिपीट कर रहा हूं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, मास, मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। दोनों के अपने यूनिट काम में ली, एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो अपने पास आ गया मीटर सेकंड माइनस टू। यहाँ पर केजी, तो ऑल ओवर यूनिट मैंने अपने पास में केजी मीटर सेकंड माइनस टू, इसको अपन ने न्यूटन से रिप्रेजेंट किया। और वन न्यूटन इक्वल टू होता है टेन दी पावर फाइव टाइम, क्लियर। नेक्स्ट अपन लेते हैं कौन सी आपकी, प्रेशर। कौन सी बात करते हैं अपन, प्रेशर के बारे में। देखिए बेटा, सेकंड लिया है अपन ने क्वांटिटी कौन सी, प्रेशर की बात करेंगे अपन। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है अपने पास में, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। अभी अपन ने फोर्स की यूनिट निकाली है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, केजी मीटर सेकंड माइनस टू लिख सकते हैं। और एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू लेंथ, यहाँ पे क्या जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। देखिए बेटा, एरिया इक्वल टू मीटर इंटू मीटर, या कह सकते हैं लेंथ इंटू वेथ, राइट। तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो अपने पास फाइनल क्या जाएगा, केजी, क्लियर। ऊपर जाएगा माइनस में माइनस, और ये सेकेंड माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एसआई में पास्कल, इसको पास्कल। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है आपके, पास्कल। रिपीट करते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट अपन निकाल चुके हैं, केजी मीटर सेकंड माइनस टू। एरिया सब जानते हो, मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू वेट। तो मीटर स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, केजी मीटर माइनस वन सेकंड माइनस टू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पास्कल। तो प्रेशर की ऐसे यूनिट क्या होती है आपकी, पास्कल।
क्लियर। थर्ड आपका लास्ट है एनर्जी, क्या है बेटा एनर्जी। देखिए या वर्क दोनों की सेम होती है, एनर्जी या वर्क दोनों की आपकी सेम होती है, एनर्जी या बात करें अपन वर्क, इसकी कुल होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इसको अपन डिस्टेंस से लिख सकते हैं, बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। फोर्स के रूट क्या है आपके पास में, वही केजी मीटर सेकंड माइनस टू, केजी मीटर सेकंड माइनस टू, क्लियर। अब यहां पर बात करें अपन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगी आपकी मीटर, तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, क्या है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, तो ये हो जाएगा अपने पास में क्या, इसको लिखेंगे अपन जूल, क्या लिखेंगे बेटा जूल। और ये जितने भी आपके नोट आई है, जैसे अपन ने फोर्स की नोट आपकी न्यूटन तो वो साइंटिस्ट के नेम पे कोडिंग है, प्रेशर की नोट आपकी पास्कल वो भी साइंटिस्ट के नेम पे कोडिंग है, और एनर्जी यूनिट यहाँ पे क्या निकल गई आपकी जूल, जो भी आपकी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। इस तरह से अपन ने यहाँ पर तीन टाइप की इम्पोर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात की है, इनकी अपन ने फॉर्मूले की बात की है, इनमें कुछ रिलेशन, अब जूल वाले में कुछ रिलेशन है, क्या है वन कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, वन कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, क्लियर। वन आर्ग इक्वल टू 10^-7 जूल, क्लियर। वन आर्ग इक्वल टू 10^-7 आर्ग। एक और आपका रिलेशन, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10^-19 जूल, रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। वन कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, और वन इज आर इक्वल टू 10^-7 जूल, और वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10^-19 जूल, ये इंपोर्टेंट रिलेशन है। इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। ये आपके तीनों इम्पोर्टेंट यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी है, इनकी कुछ रिलेशन मैंने आपको बताए वो आपको ध्यान में रखने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।